हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है। एक्चुअली ज़्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है इस समय जिसके बारे में बात की जाए। अब देखिए, मॉब लिंचिंग अब कॉमन फिनोमिना है, ज़्यादातर आपको सुनने को मिल जाएगा। कोई भी आरोप हो सकता है और आदमी को या फिर आदमियों को भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, हम लोगों को अब आदत पड़ गई है, नॉट अ न्यू थिंग एंड वी डोंट गेट सरप्राइज इवन। रही रेप केस की बात, हर दिन होने लगे हैं, हर समय होने लगे हैं, हर एक के साथ होने लगे हैं। ठीक है, औरतों ने अति भी कर रखी है। मैं तो यही कहूँगी, भाई आदमी तो शुरू से ही ऐसे थे, क्यों अपनी सीमाएं लांघ रही हैं, ये उनकी गलती है। चलिए एक दूसरे पहलू पे बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं एंटी सोशल नहीं हूँ, प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बड़ा सरप्राइज करती हैं। हम अक्सर औरतों को बराबर अधिकार देने की बात करते हैं और ये भी मानते हैं कि हाउसवाइफ्स बेचारी बहुत पिस पिस के रहती हैं। वैसे वर्किंग वुमेन होने के नाते मेरा कोई द्वेष नहीं है उनसे, वो लोग बहुत जिम्मेदार होती हैं, पर ऐसा मानना कि उनके पास रिक्रिएशन के लिए कुछ नहीं है, कम से कम मेरे शहर में तो मैं ऐसा नहीं मानती। मेरा शहर अब बड़ा हो रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं और वही चेंजेस मैंने सोसाइटी में भी देखे हैं, इवन लेडीज़ में ज़्यादा। इस समय मेरे शहर में रेस्टोरेंट्स की भरमार है, हर दूसरी गले कूचे में एक शानदार रेस्टोरेंट तैयार है बेहतर कुजींस के साथ। और वहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर्स कौन हैं? लेडीज़। क्यों? क्योंकि एक नया ट्रेंड चल पड़ा है ना। अरे किटी पार्टी, सभी लोग एक या दो किटी पार्टीज या उससे भी ज़्यादा तीन तीन चार चार किटी पार्टीज के मेंबर हैं। आखिर उन लोगों को बाहर जाने का मौका ही कहाँ मिलता है। अब लेडीज़ का यही कहना है, स्पेशली हाउसवाइफ्स का, कहीं नहीं जा पाते, दिन भर घर में सड़ते रहो, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, कभी महीने में एक आध बार कहीं चले जाते हैं। सही भी है, पर देखिए ना, एक चीज़ नोटिस की आपने, अब किटी पार्टीज थीम बेस्ड होती हैं, यानी कि ड्रेस कोड होगा, सेम कलर की साड़ीज, कई बार फैशन परेड भी होती है उसमें, आई मीन कॉम्पटिशन्स, आपको मेहंदी कैसी लगानी है तो मेहंदी के लिए कॉम्पटिशन होगा, हेयर स्टाइल कॉम्पटिशन होगा, मीन्स सो मैनी थिंग्स जो उनको रिक्रिएट करती हैं। आखिर महीना भर घर में रहने के बाद इस तरह के कॉम्पटिशन से थोड़ा मन बहलाव हो जाता है। पर आपने कभी इसकी दूसरी साइड देखी है? मैंने देखी है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ ना। शायद इसलिए पैसा जब उड़ाना पड़ता है तब लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सोच समझ के। लेकिन इस मामले में लकी हैं हाउसवाइफ्स। भाई साड़ी मेंटेन करना, कंपटीशन के लिए तैयार होना, खर्चा कौन उठाएगा? मियाँ जी बढ़िया है, मियाँ जी पैसे भी दे देते हैं किटी खेलने के लिए, साथ ही साथ मेंटेनेंस के लिए भी। आज का मेरा पलड़ा जेंट्स की तरफ झुका हुआ है। अब आप ऐसे सोचिए, हम मूवी देखने जाएंगे, गोद में अगर छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ने रोना शुरू किया तो कौन उसको लेके खड़ा होगा सीढ़ियों पे, बताइए? जेंट्स। भाई उन्हीं को ऐसा करना चाहिए, लेडीज क्यों खड़ी होंगी? आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, मैडम बैठी हुई हैं, अगर आपको बर्थ पे सोने जाना है तो आप अपना बिस्तर लगा लीजिए। हाँ हाँ, तो मैडम का कौन लगाएगा? वो भी आप ही लगाएंगे। देखिए मैं बराबरी में बिलीव करती हूँ, अगर घर पे मैडम आपके चार काम करती हैं तो बाहर भी आपको करना चाहिए, ऐसा अच्छा लगता है। अच्छा लगता ही है, मुझे तो लगता है, क्योंकि मुझे तो दोनों लोगों के बिस्तर बिछाने लगते हैं, हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। आप इसको जलन मत समझिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अनड्यू फेवर करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, जो लेडीज़ के लिए हमेशा एक सी नहीं होती। लेडीज़ भी इंजॉय करती हैं, लेडीज़ इंजॉय कर रही हैं किटी पार्टी के चलन ने, तो वाकई मुझे ये बिल्कुल पक्का विश्वास दिला दिया है कि लेडीज़ इंजॉय करती हैं और भरपूर करती हैं। जेंट्स तो नहीं करते किटी पार्टी, वो तो नहीं कोई ड्रेस कोड करके जाते। शादियों में ही देखिए, बेचारे जेंट्स वही वाले सूट्स रिपीट करते रहते हैं, लेकिन लेडीज़ नीड
वैरायटी, वो वाला सेट दोबारा रिपीट नहीं होगा, अगर हो गया तो साड़ी रिपीट हो नहीं होगी। मीन सो मेनी कंडीशंस आ गया। लकी हैं हम लेडीज। उसके बाद बहुत सारा रोना गाना करना मुझे नहीं अच्छा लगता। वो अलग है कि समाज एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मुझे बहुत सहानुभूति है उन लड़कियों से, उन सभी बहनों से, माओ से, जिन्होंने एक बहुत बुरा दौर देखा, बहुत बुरे हादसे से गुजरी। लेकिन जीवन का एक दूसरा पहलू भी है जहाँ पे लेडीज़ के पास इन्जॉय करने के लिए टाइम है। दे रिक्रिएट, दे गो आउट एंड दे हैव अ वेरी गुड लाइफ आई शुड से। वो अलग बात है कि हर एक किसी के पास जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, पर फिर भी किटी पार्टी, नाइस फ्रेंड। खैर आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।